ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए, तुम्हारे अच्छे प्रदर्शन के लिए, और ये मनीष की तरफ से, तुम्हारे डांस एकेडमी की पीछे की जमीन ले ली उसने, ताकि कल को अगर बढ़ाना पड़े तो फिर कोई दिक्कत ना आए। खुश रहो। थैंक यू सो मच दादी। वो तो हमें कहना है तुमसे, बहुत अच्छा लगा हमें जिस तरह तुमने मीटिंग वाली बात को सुलझा दिया, किट्टू अपना काम भी कर सका और तुम्हारा डांस भी देखा उसने। तुम ही सोच लो, आज दोनों का काम अच्छे से हो गया तो कितनी खुश लग रही हो तुम। यही अगर किट्टू के काम में हर्जा हो जाता तब भी तुम इतनी खुशी महसूस करती? हम तुम दोनों को खुश देखना चाहते हैं बेटा। हाँ, हम किट्टू से ज्यादा प्यार करते हैं, उसे हमेशा आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, सबसे ऊपर देखना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि तुम दोनों की खुशी अलग अलग नहीं है। इसलिए जो समझदारी तुमने आज दिखाई वो आगे भी दिखाना, और एक बात, जो तुमने आज किया उसे कोई भी समझदार इंसान समझदारी नहीं कहेगा, इसलिए दोबारा कभी मत करना। और वो कचौरियां बन जाए तो हमें भी भेज देना चखने के लिए। पर इस सब के बाद भी हमारे बीच में सब ठीक नहीं है। क्या जरूरत थी दिलों ने घर बुलाने की? सुबह से उनकी वजह से हम कम परेशान हुए हैं क्या, जो अब शाम भी बर्बाद करने के लिए वो लोग आ रहे हैं? क्लाइंट से जुरीखा, थोड़ा बहुत करना पड़ता है। थोड़ा बहुत नहीं दीदी, बहुत बहुत कर लिया। कभी मीटिंग जल्दी करेंगे तो कभी लेट करेंगे, कभी फ्लाइट कैंसिल करेंगे तो डिनर करेंगे। पर ये देना है उन्हें जाते हुए, अच्छे से पैक कर लेना और कुछ लिख भी देना। हा? याद रखना। मैं मार्केट जा रहा हूँ दादी, वैसे भी घर पे तो कोई काम है नहीं मेरा। अरे बेटा, मेहमान आ रहे, वो भी क्लाइंट्स। हाँ, उनके सामने ऑफिस का तो कोई काम किया नहीं, तो अब क्या भाभी के साथ बैठ के कचोरियां तलो? पापा ओके कार्तिक, फोन भी नहीं उठा रहे हो। नायरा, ये लो, हमारे कमरे में से लाल फाइल लेके आना, मनीष को चाहिए। जी। जैसा शुभम ने आप सबको बताया था, प्लान वुड छू कर गई, कैसी छुवन बरसा है दिल से नैन, रूहे तबा है बेघर है मन, ये इश्क का है कैसा करम। जरूरी नहीं है कि तुम्हारा सही हमेशा सही ही हो, जरूरी नहीं है नायरा कि जो तुम कहो वही हो। मुझे पराया तू मुझी से कर रही। सकीक, ये कहां से आया? भैया नहीं मंगवाया होगा भाभी के लिए। हाउ रोमांटिक मिस्टर कार्तिक, आइडियल कपल है आप दोनों, इतना सोचते हैं एक दूसरे के बारे में। आपकी वाइफ ने मीटिंग वेन्यू शिफ्ट किया और आपने उनके लिए केक ऑर्डर कर दिया। वेरी नाइस। आप चलिए पहले केक काट लेते हैं। आइए आप दोनों, जिनका ओकेजन है उन्हीं को सेलिब्रेट करने देते हैं। थैंक यू कार्तिक, तुमने मेरे लिए इतना सोचा। आ,
इससे पहले कभी मैंने ऐसा केक नहीं देखा। इसमें भी कोई कहानी है क्या मिस्टर कार्तिक? चलिए अब केक भी काट लेते हैं। जी के हाथ का केक है। तो हम हमारी प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं यहाँ पर। ये केक फ्रिज किचन में रखा। एक्चुअली सारे फाइल्स मेरे लैपटॉप में ही है, मैं प्रिंटआउट लेकर आ जाता हूँ। वो केक मैंने नहीं मंगवाया था, वहीं बोल देना चाहता था, लेकिन सब लोग थे और उन्हें लग रहा था कि मैंने भेजा है, तो मुझे ये भी नहीं पता कि किसने भेजा था। पापा ने। मुझे लगा था कि तुम्हारा गुस्सा अभी तक शांत हो गया होगा। उस वक्त भी हमारी बात पूरी नहीं हो पाई थी, तुम्हें जाना पड़ा था। डॉट, मैंने तब भी यही कहा और अब भी यही कह रहे। आई एम रियली सॉरी कार्तिक, मुझे रियलाइज हो गई है अपनी गलती। कार्तिक, बहुत बड़ी बेवकूफी थी मेरी, वो भी और कल रात वाली बात में जब तुमने मुझे वो पेपर्स दिखाने के लिए कहा था और मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी थी। कार्तिक, तुम जो कहोगे मैं तुम्हारी बात मानूंगी, आई स्वेयर। जो तुम कहोगे, जैसे तुम कहोगे मैं वैसे ही करूंगी, पर ऐसे चुप मत रहो, प्लीज कुछ तो कहो। कार्तिक नायरा, मुझे काम करना है। वो क्लाइंट्स वहां नीचे, वो वेट कर रहे हैं इन पेपर्स का। मैं भी तो तुम्हारा वेट कर रही हूँ, कब से करते तुमसे बात करने के लिए। तुम्हें पता है जब भी तुम नाराज होते हो मेरी जान निकल जाती है, आंधी तूफान चलने लग जाता है, मेरे अंदर ऐसा लगता है जैसे जैसे सब बिखर जाएगा। प्लीज करते, उस गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। I'm sorry कार्तिक, प्लीज मुझसे बात करो। बोल क्यों नहीं रहे हो? मैंने कहा ना तुमसे कि मुझे अपनी गलती रियलाइज हो गई है, मैं बहुत स्टूपिड थी जो बुलडोजर के सामने आ गई, मुझे नहीं आना चाहिए था। अपनी लाइफ के साथ साथ तुम्हारी लाइफ को भी रिस्क में डाल दिया था मैं। तुम्हें क्या लगता है नायरा, इसलिए नाराज हूं मैं तुमसे? नहीं, तुम इसलिए नाराज हो कि मुझे कुछ भी हो सकता था और तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती। पर समझती नहीं हूँ तुम्हें, है ना? पर इसमें दोष तुम्हारा भी नहीं है नायरा, मैं भी कहाँ समझ पाया तुम्हें अब तक। नहीं करते, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? तो और क्या बोलूं मैं, अगर हम समझते हैं एक दूसरे को, प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो फिर इतनी दूरी क्यों आ गई हमारे बीच, इतने दूर क्यों हो गए हम? दूर याद नहीं आ रहा तुम्हें? मैं याद दिलाऊं कैसे तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया, कैसे खुद को मुझसे दूर कर दिया तुमने? याद दिलाओ तुम्हें। रिहर्सल्स के लिए ना मुझे यहाँ ज्यादा सूट करता है, तो शो तक मैं यहीं रुक जाती हूँ। तुम इस वक्त यहाँ, तुम्हें तो ऑफिस जाना चाहिए था ना। कार्तिक जल्दी जाओ, वहाँ तुम्हारी जरूरत है। पता नहीं कोई सरकारी लेटर लग रहा है, एक काम करता हूँ मैं लेकर आ जाता हूँ वहाँ पर। नहीं कार्तिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और तुम भी अभी मत आओ, मुझे नींद आ रही है। नहीं कार्तिक, तुम टेंशन मत लो, पापा और भाई हैंडल कर रहे हैं, तुम अपने काम पे ध्यान दो। इसलिए हर्ट हुआ हूँ मैं नायरा, इसलिए नाराज हूँ, और कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ मैं नायरा, पर
ये नहीं। मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया कार्तिक। अगर मेरे लिए किया है तो फिर सबसे ज्यादा चोट मुझे ही क्यों पहुंची है? बोलो नायरा। किट्टू, माफ करना तुम्हें डिस्टर्ब किया, लेकिन वो लोग इंतजार कर रहे हैं नीचे। ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। आया दादी। ये रिश्ता क्या कहलाता है।